जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। सरफराज मैथमेटिक्स क्लासेज एवं विवेकानंद आर्ट्स ट्यूटोरियल के द्वारा सम्मान सह शिक्षा संवाद कार्यशाला का आयोजन मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड के देवधा में स्थित सरफराज मैथमेटिक्स क्लासेज एवं विवेकानंद आर्ट्स ट्यूटोरियल के तत्वावधान में सम्मान सह रोजगारमुखी शिक्षा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद सरफराज, अध्यक्षता व मंच संचालन विपिन झा ने किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथि वाइब्रेंट के डायरेक्टर सह किरण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के सचिव सिया राम मिश्र एवं सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर जनमंजय सिंह, मिथिला स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सह सूर्य युवा शक्ति देवधा के अध्यक्ष हरेराम चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर सह प्रिंसिपल विपिन झा, सरफराज मैथमेटिक्स क्लासेज के संचालक मोहम्मद सरफराज एवं विवेकानंद आर्ट्स ट्यूटोरियल के केशव पाठक उर्फ राघव एवं स्थानीय पत्रकार पप्पू पूर्वे एवं गौरव जोशी ने संयुक्त रूप से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में सफल छात्र एवं छात्राओं को मोमेंटो एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज बहुत ही गर्व की बात है कि देवधा के बच्चे जयनगर सहित मधुबनी जिला में अपना परचम लहराया है। यहाँ के छात्रा नुजहत खातून मैट्रिक परीक्षा में मधुबनी जिला में 7वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में लगभग 100 छात्र एवं छात्राएं यहाँ से पढ़ाई कर प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, इससे बच्चों को प्रोत्साहन एवं शिक्षा के प्रति लगाव होता है। इसी माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि शिक्षण संस्थान द्वारा बच्चों के पठन पाठन व्यवस्था दुरुस्त रखे तो बच्चे सही मंजिल तक पहुंच जाता है, छात्र चाहे तो मंजिल उसके कदमों में होगा। वाइब्रेंट कंपनी के डायरेक्टर सियाराम मिश्र ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे की पढ़ाई कैसे करें और कहां से करें। उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को चुनें। अभिभावक अपने बच्चों के मन को समझे कि उसे किस विषयों को पढ़ने में मन लगता है, उसे उस विषयों पर अध्ययन करने दे। अपने आप को गरीब और गरीबी का सहारा लिए बिना अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दे। मैट्रिक व इंटर पढ़ाई पूरी करने के बाद कई तरह के रास्ते आपके लिए खुले हैं। सरकार ने आगे की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। गरीब मजदूर श्रेणी के लोग अपने बच्चों को हर संभव प्रयास कर पढ़ाएं। शिक्षा से ही इंसान के जीवन में सुधार आता है। बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार अधिकतम 4 लाख रुपया पढ़ने के लिए सहायता देती है। इस कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल, पारा मेडिकल कोर्स, फार्मेसी, इंजीनियरिंग ऑल कोर्स, कृषि से संबंधित कोर्स, लॉ और दूसरे रोजगारमुखी कोर्स कर सकते हैं। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। वही आपको मिलेगा, जैसे मान लो जब मेरा बिहार में हमने मैट्रिक कर लिया झारखंड से, अपने किसी ताऊ जी के यहाँ जाके, किसी चाचा जी के यहाँ जाके, नहीं मिलेगी। हमने इंटर कर लिया बंगाल में, नहीं मिलेगी। यानी ये सब याद रखना, बिहार का ही नागरिक, बिहार का ही आवासीय, बिहार का ही आधार, बिहार की ही पढ़ाई, तब जाके मिलेगा। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है। मुखिया सरपंच तो पता नहीं क्यों नहीं जग रहा है, जंगली मुखिया सरपंच को तो 10% वाला आदत लगा हुआ है, इसमें परसेंटेज है नहीं, इसीलिए शायद नहीं जग रहा है। नहीं तो इसमें मजा क्या है वो समझो। उस पंचायत में 100 बच्चों को बढ़िया से, कोई इंजीनियरिंग में, कोई पॉलिटेक्निक में, कोई बीबीए में, कोई बीसीए में, कोई बीएससी एग्रीकल्चर में, कोई फार्मेसी में, कोई होटल मैनेजमेंट में, अगर वो बच्चे चले जाए, इसका मतलब हुआ 4 करोड़ रुपया सिर्फ एक पंचायत में सरकार का आ जाना। लेकिन साहब को 10% मिलता तब तो, अब 10% मिलेगा नहीं तो ये योजना आएगा कहां से। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको अधिकतम 4 लाख लोन देंगे। पॉलिटेक्निक में घटा दिया है सरकार ने, 4 को 3 कर दिया, ये एक सरकार की बदमाशी है। अभी बीएड को जोड़ दिया सरकार ने, आईटीआई को जोड़ दिया, लेकिन पॉलिटेक्निक में 1 लाख घटा दिया है। तो अब ये समझो कि पॉलिटेक्निक में तो 3 ही लाख देगी सरकार, और पॉलिटेक्निक करने में लगभग 3,65,000 खर्चा पड़ेगा। तो गार्जियन को 65,000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन एक बार में नहीं देना पड़ेगा, 3 साल में देना पड़ेगा, मान के चलो 22,000 के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर होटल मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा तो वहां 5.5 लाख हो चुका है। लेकिन जयपुर एक बहुत बढ़िया जगह है, टूरिस्ट एरिया है,
पांच सितारा होटल की भरमार है वहां पे। अगर जयपुर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट कर लोगे, सीट कम है, वो कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन वहां सिर्फ 4,10,000 में हो जाएगा, सॉरी 4,05,000 में हो जाएगा। सीट बुकिंग के लिए सिर्फ तुमको 5,000 देना होगा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, रेस्ट सारा पैसा सरकार दे देगी, रहना खाना पढ़ना लिखना सबका। और सरकार जो डिग्री है बीसीए है, आज मान के चलो खास करके लड़कियों के लिए जो इंटर कर ली हो, अगर वो बीसीए करोगी तो किसी भी ग्रेजुएशन से बढ़िया हो, क्योंकि जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया है। लड़का के लिए बीसीए भी बढ़िया है, बीबीए भी बढ़िया है, होटल मैनेजमेंट भी बढ़िया है। अगर हम लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ करिए, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो 4,00,000 रुपया है उसके बारे में बिहार सरकार क्या कहती है, ना आपके बाबूजी का जमीन मॉर्गेज लेना है, ना आपके बाबूजी का चेक लेना है, ठीक ना, आपको कोई नहीं। सरकार अपनी गारंटी पे आपको पढ़ने के लिए पैसा दे रही है, और सरकार क्या कहती है कि बाबू पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो प्लस एक साल नौकरी खोजने के लिए आपको कोई एक रुपए का कोई सूद नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है। यानी हम इंजीनियरिंग करने जाते 4 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 5 साल, बीबीए करने जाए 3 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 4 साल, पॉलिटेक्निक करने जाए 3 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 4 साल, ऐसी जुड़ो एमबीए करने जाए ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, 1 साल नौकरी खोजने के लिए 3 साल, यानी इंटरेस्ट फ्री पैसा उतने दिनों का। और इंटरेस्ट कैसा भैया, वो भी कमाल माशाल्लाह वाला बात है, वो इंटरेस्ट ऐसा है कि लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट माफ। नाते भी एक प्रतिष्ठा अर्जित किए हैं, आपका नर्सिंग कॉलेज भी कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है, सारा प्रक्रिया आपने पूरा कर लिया है, तो अपने मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ बाबू कोई कल कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, पढ़ोगे तभी उज्जवल भविष्य होगा, तुम्हारा भविष्य संवरेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन समय परिस्थिति को भांपते हुए। ऐसा नहीं कि हम डिग्री पर डिग्री लेते जा रहे हैं, अंत में कुछ माया न मिला न आराम, हम लोग कहते हैं ना कुछ नहीं मिला, इतना सर्टिफिकेट जरूर इकट्ठा हो जाता है। तो अभी से अपना भविष्य को तय करना कि हमको किस मार्ग में जाना है, मार्ग का चयन करना और किस मार्ग में गोल करना है, उसके लिए परिश्रम का प्रकाष्ठा करना। तो इसमें दसवीं पास कितने छात्र छात्रा हैं, जो दसवीं पास कर गए हैं, एक है जो दसवीं पास कर गए हैं इस बार उन्होंने पहले भी पास किए हैं तो बोलिए ना, सभी है। और इंटरमीडिएट जो इस बार पास किए हैं, आईए आईकॉम आईएससी 2-3 वो भी हैं, मैक्सिमम यहां बैठे हुए दसवीं पास। आप सुनिए, अभी से सुनेंगे, अभी से मुझे क्या करना है नहीं करना है उसका अगर आप चयन करेंगे तो आने वाला समय आपका होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी दसवीं पास कर लिए, अब दसवीं के बाद क्या करना है, अब यहां से आपका सफर प्रारंभ होता है, आपको तय करना है कि क्या करना है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो ऑप्शन क्या है, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कर लेंगे, डिप्लोमा इंजीनियर इंजीनियरिंग का कोर्स आप कर लेंगे तो आप जेई साहब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जेई साहब, चूंकि जल्दी नौकरी मिल जाएगी, जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी, 3 साल का पढ़ाई आपको पढ़ना है, उसके पश्चात तुरंत नौकरी मिल जाएगी, वैकेंसी आता ही रहता है, प्राइवेट कंपनी से लेकर के गवर्नमेंट में भी अच्छे अच्छे जॉब प्राप्त होता है, चाहे वो रेलवे हो या सिविल का काम हो। गवर्नमेंट जो इंजीनियर साहब सब देखिए गांव घर में रोड सड़क को नापी करते हैं, कौन है इंजीनियर साहब, तो आपका भविष्य वहां से उज्ज्वल हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है पॉलिटेक्निक करना, डिप्लोमा इंजीनियर बन, फिर आगे आप पॉलिटेक्निक कर लिए फिर बीटेक भी कर सकते हैं, तब तो आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है आपके उज्जवल भविष्य में, और जॉब की 100% गारंटी है। तो अभी से आप चले गए, अभी यहाँ की सरकार और ऊपर की सरकार भी कहती है, नई शिक्षा नीति अभी आ रहा है,
उसमें टेक्निकल पढ़ाई की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और हर एक कॉलेज में स्कूल में टेक्निकल पढ़ाई की ओर विद्यार्थी को आकर्षित किया जा रहा है। तो आप वो पॉलिटेक्निक अगर कर लेते हैं फिर उसके बाद रास्ता आपको निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इंटरमीडिएट करने का, इंटरमीडिएट करने के बाद तो ढेर सारा रास्ता निकलता है और कभी कभी लगता है कि हमको जानकारी नहीं है कि हमको क्या करना है। यहाँ छात्रा दो तीन बैठी हैं जो इंटरमीडिएट पास कर गई हैं, वो बोल रही थी साइंस से हम हैं। तो आप अविलंब किधर हमको किस लाइन में जाना है, गोल करना है, वो चयन करिए। आपके लिए जीएनएम है, आपके लिए एएनएम का कोर्स है, आपके लिए बीएससी नर्सिंग है, बीएससी एग्रीकल्चर है। ये सारा कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो जॉब की गारंटी है 100%। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।